इस बीच आपको तस्वीरें दिखा दें, प्रियंका गांधी हाथरस के रास्ते में हैं। हालांकि प्रियंका का काफिला रोका गया है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें हैं, जो हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए निकल चुकी थी। डीएनडी पे हमने देखा कि किस तरीके से उनके काफिले को रोकने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन का इंतजाम किया गया था। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सड़क पर, प्रियंका गांधी इस वक्त पैदल चलते हुए, हालांकि उनके इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा मौजूद है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि हाथरस के लिए निकल चुकी हैं। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब पैदल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की ओर कूच कर रहे हैं। बेहद आक्रामक रवैया यहां पर कांग्रेस पार्टी का, लगातार ट्वीट भी प्रियंका गांधी वाड्रा के किए गए जो हमने देखे। जो पीड़िता का परिवार है उसके समर्थन में ये भी कहा गया कि योगी शासन उत्तर प्रदेश में फेल दिखाई देता है इस घटना के बाद, क्योंकि लड़कियां और बेटियां उनके राज्य में महफूज नहीं है। जिस तरीके से हाथरस की घटना सामने आई है उसको लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही निकल पड़े हैं। हाथरस वो पहुंचेंगे, वहां पर पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। अशोक सिंघल में सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, कितना रास्ता ये पैदल तय किया जाएगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से? देखिए अभी पैदल ही चल रहे हैं, मेरे कैमरा में दिखाने कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, लेकिन खबर ये भी आई है कि वो किसी मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल गए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे उनको रोक दिया गया था। उसके बाद वो पैदल निकले, उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया था, पीछे भारी पुलिस बंदोबस्त था। उसके बाद देख सकते हैं कि सड़कों पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, और वो झुंड जो है झुंड आगे की तरफ निकला है। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि मोटरसाइकिल पर बैठ करके प्रियंका राहुल गांधी अलीगढ़ से हाथरस होते हुए निकलेंगे। लेकिन रास्ते में भी पुलिस काफी जगह तैनात की गई है, उनको कोशिश की जा रही है कि आगे ना जा पाए। यहाँ से तो जो एक्सप्रेस वे था वहां से पैदल निकले थे, गाड़ियां रोक दी गई थी, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मोटरसाइकिल पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो आगे बैठ करके आगे की ओर निकले। लेकिन आगे भी जगह जगह पर पुलिस ने पूरी नाकेबंदी की हुई है कि कहीं भी आगे धारा 44 होने की वजह से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और कोई अनुपंची नहीं लीजिए, प्रशासन का ये भी कहना है कि राहुल और प्रियंका ने कोई अनुमति नहीं लिया वहां जाने के लिए। अशोक, कोर्ट से अनुमति नहीं ली गई, हाथरस में धारा 144 लागू है, जगह जगह पर आप ये भी बता रहे हैं कि नाकेबंदी भी की गई है, वहां पर पुलिस बल इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा काफिला जो राहुल और प्रियंका के साथ है वो भी आगे ना बढ़ पाए, ऐसे में हाथरस पहुंचना संभव नहीं लग रहा है? देखिए बहुत मुश्किल है कि हाथरस उनको जाने दिया जाएगा, एक तो उनको अनुमति नहीं मिल रही है, बेशक वो एक्सप्रेस वे से क्रॉस कर करके आगे जा रहे हैं, पैदल थोड़ी दूर पैदल चले, उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठ के आगे की तरफ निकले हैं, लेकिन कार्यकर्ता पीछे पीछे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है, पहले डीएनडी पे रोकने की कोशिश की, उसके बाद एक्सप्रेस वे पर रोकने की कोशिश की, और वो आगे की तरफ बढ़े हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उनको हाथरस जाने दिया जाएगा, क्योंकि राहुल और प्रियंका की यह कोशिश है देखा मैं, नहीं पता
तो आपने तस्वीरें देखी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, जो कुछ दूरी तक पैदल चले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया था। ऐसे में ये संभव है, और हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि वो कुछ रास्ता मोटरसाइकिल के जरिए आगे बढ़ेंगे, हाथरस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत संभावना है कि वो हाथरस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगी हुई है और साथ ही उसे कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सकता है। इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि 3 पुलिस वाले संक्रमित हैं, जिसके मद्देनजर हाथरस में वो इलाका जहां पर पीड़िता का गांव है, जहां परिवार है, उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाए। ऐसे में ये देखना होगा कि आज क्या ये पूरा रास्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तय कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे की दूरी है दिल्ली से हाथरस तक की। इस 2.5 घंटे की दूरी में कई ऐसे चेक पॉइंट, कई ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां पर जगह जगह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोका जा रहा है। ये जो आप ताजा तस्वीर देख रहे हैं, ये हाथरस के रास्ते की है, जहां पर कुछ दूरी तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मास्क के साथ दिखाई दे रहे हैं और पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया था। लेकिन सवाल पूछने पर कोई भी जवाब प्रियंका गांधी की ओर से नहीं दिया गया, यह भी हमने देखा। लेकिन इंसाफ की राह पर चल पड़े दोनों भाई बहन इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि सवाल कांग्रेस पार्टी से लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अगर इतना आक्रोश हाथरस की घटना को लेकर है, तो राजस्थान के 12 की घटना को लेकर क्यों नहीं है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।